मैं झारखंड के और देश के तमाम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से आग्रह पूर्वक और निवेदन करता हूं कि आप एक बड़े कौम, एक बड़े भारत के मूल निवासी हैं और आपके साथ 5000 साल से अन्याय हो रहा है इस देश में। आपके साथ गैर बराबरी किया जा रहा है। आपके अधिकारों को आज तक आपको दिया नहीं गया है। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC सभी जो आपस में लड़ रहे हैं, जब तक हम लड़ते रहेंगे तो इनकी जो ब्राह्मणों की, मनुवादियों की जो राजनीति है उनकी चल रही है। इसलिए अगर उनकी राजनीति को ख़त्म करना है तो SC ST OBC को और माइनॉरिटी समाज को एक साथ आना होगा। और हमारा अभी वर्तमान समय में जो देश में आप देख रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर कांड हो, चाहे वो रोहित बिमुल्ला का मामला हो, चाहे चतरा में ये जो महिलाओं के ऊपर देश में जो महिला असुरक्षित है, और देश में जो विकास का मामला है, देश के विकास का मामला है, वो SC ST OBC के विकास से और माइनॉरिटी समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मीडिया और ये इस देश के जो राजनीतिक शासक है वो ये छुपाना चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोग अगर डेवलप हो जाते हैं तो इस देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये छुपाते हैं कि नहीं, इनके अंदर मेरिट नहीं है, इनके अंदर गुण नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब खेत हम बनाते हैं, जब सड़क हम बनाते हैं, ये ईंट के मकान, जितने मकान हैं वो हमारे समाज के द्वारा बनाया जाता है, और पूरा इस देश का खाद्यान्न हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे समाज के ऊपर निर्भर है। चाहे वो किसी तरह का कुटीर उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, वहाँ भी हमारे मजदूर काम करते हैं। फिर भी इस देश में हमारा समाज का आज हालत बहुत ही दयनीय है। तो हम चाहेंगे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्वप्न था, फुले साहब का स्वप्न था, बिरसा मुंडा जी ने अपना जीवन लगाया, और ललित सिंह यादव, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत गाड़गे, इन तमाम महापुरुषों ने अपनी पूरी जीवन हमारे समाज के कल्याण के लिए लगाया है। तो हमारी भी जिम्मेवारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनका जो अधूरे कार्य है, उनका जो मिशन है, उन्होंने जो कहा था, बेगमपुरा राज, उन्होंने कहा था समता पर आधारित समाज, समानता पर आधारित समाज, मानव मानव बराबर है, सब एक है और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। तो इसके लिए हमें फिर से संघर्ष करने की जरूरत है। आज जाति कह करके गोली मार दी जाती है, आज जाति कह करके हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, संबोधन किया जाता है। इसलिए बहुजन समाज के राजनीति के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आई है। राजनीति हम करने के लिए नहीं आए हैं, हम समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं। विचारधारा जो बाबा साहब की है उसे स्थापित करना चाहते हैं, जो संविधान में निहित है। संविधान में हमारी आत्मा है, और संविधान पर जो वर्तमान हमले हो रहे हैं, आरक्षण के ऊपर हमले हैं, ये देख रहे हैं आप कि 10 ब्राह्मण बैनर पकड़ के निकलते हैं और आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, या इस देश के प्रतिनिधित्व का अधिकार जो SC ST OBC को मिला है उसको ये लोग नहीं देना चाह रहे हैं। तो जो लोग 3% लोग हमारे खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, तो आप उनको घर में बुलाना बंद करें, आप उनको तन मन धन से सहयोग करना बंद करें। जो आपके बाल बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ी का जो नौकरियों में, सेवा क्षेत्र में जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप उनका उनसे शादी नहीं कराएं, उनसे श्राद्ध नहीं कराएं, उनसे कोई किसी भी कार्यक्रम में जो लोग हमारे लिए नहीं काम करते उनको रोकें। अगर उनको इस देश में रहना है, मेरा अपील है, हमारे समाज में हमारे समाज के लोग अगर सुधर जाते हैं तो हम उनके साथ गैर बराबरी नहीं करेंगे, हम भी आदमी जैसा उनके साथ ट्रीट करेंगे, उनको समानता का साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन उन्हें संविधान की बात मानना होगा, उन्हें संविधान की बात मानना होगा, और इस देश के मूल निवासियों का मान सम्मान उनको वापस देना होगा। बस साथियों, आपसे एक अपील है, गुजारिश है कि आप बड़े तादाद में, मात्र 10 रुपये का मेंबरशिप है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का, 2019 में भारत से कांग्रेस BJP मुक्त करना है, और जो मनुवाद और RSS का जो ये जो काफिला चला है उसे हमें विराम लगाना है।